ऑटो फिट, ऑटो फिट में हमें तीन ऑप्शन मिलेंगे, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, फिक्स्ड कॉलम विड्थ। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटो फिट कंटेंट के बारे में। ऑटो फिट कंटेंट का मतलब टेबल में जितने भी कॉलम है और हर कॉलम में जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अपने आप टेबल फिट हो जाएगी, मतलब ये कि सिकुड़ जाएगी। या टेबल में अगर टेक्स्ट का साइज ज़्यादा बड़ा हो, जैसे मैथ्स को मैंने किया मैथमेटिक्स, तो देखिए जितना बड़ा टेक्स्ट में टाइप कर रहा हूँ टेबल का वो कॉलम अपने आप बड़ा होता जा रहा है, उसकी विड्थ अपने आप बढ़ती जा रही है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ फिलहाल। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो मतलब कि वर्ड का जो पेज है, पेज के अकॉर्डिंग अपने आप पूरी टेबल फिट हो जाएगी, पेज की मार्जिन के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। फिक्स्ड कॉलम विड्थ का मतलब मैंने जैसे ऑटो फिट कंटेंट लिया था, कोई नया टेक्स्ट टाइप कर रहा था तो अपने आप टेक्स्ट का साइज बढ़ रहा है, तो अपने आप कॉलम का साइज भी बड़ा होता जा रहा था। लेकिन अगर हमने फिक्स्ड कॉलम विड्थ सेलेक्ट कर लिया है तो अब अगर हम टाइप करते हैं तो कॉलम का साइज फिक्स्ड हो चुका है, मतलब ये कि अब कॉलम का साइज बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आगे टाइप किया मैथमेटिक्स, देखिए मैं टाइप करते जा रहा हूँ तो अपने आप रो का साइज बढ़ता जा रहा है और कॉलम का साइज फिक्स्ड हो चुका है, ठीक है। फर्क आपको समझ में आ गया होगा। ऑटो फिट कंटेंट का मतलब टेक्स्ट जितना बड़ा होगा कॉलम का साइज भी उतना ही बड़ा होगा, और फिक्स्ड कॉलम विड्थ का मतलब एक कॉलम का विड्थ फिक्स हो चुका है और अब अगर टेक्स्ट टाइप करेंगे तो रो का साइज बढ़ता जाएगा लेकिन कॉलम का साइज चेंज नहीं होगा। और ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो का मतलब विंडो के अकॉर्डिंग यानी कि पेज के अकॉर्डिंग पूरा टेबल सेट हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल को एक्टिव कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको सही समय पर मिल जाए। धन्यवाद।